हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति अपने यूट्यूब चैनल प्रीति सिंह और सीखो में आज आपको फैब्रिक मास्क बनाना बताएंगे। फ्रेंड तो ये देखिए, हमारे पास इस तरह से सलवार का कपड़ा बचा हुआ था और इस तरह से हमने इसको 8 फोल्ड किया है और इसमें हम 2 मास्क बनाएंगे और 8 फोल्ड हमने इसको भी किया है। तो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। फ्रेंड तो आप एक ही साथ 4 मास्क की कटिंग कर पाएंगे। ये देखिए, हमने ये मास्क सिला हुआ है और इसको हमने पहले बनाया हुआ था। अभी हम इसी को रख के और आपको मास्क बनाना बताएंगे कितनी इजीली। आपके पास अगर कोई भी डिज़ाइन का मास्क हो तो आप रख के इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे फ्रेंड और एकदम एग्जैक्ट इसी के बराबर निशान लगा लेंगे। तो आप इस तरह से निशान लगाएं, इसी तरह से हम चारों तरफ से इसी तरह निशान लगा लेंगे। फ्रेंड तो ये हमारा देखिए लंबा कपड़ा था, फिर भी हम इसी शेप में मास्क की कटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं कि कपड़ा लंबाई चौड़ाई सेम हो। आपके पतला कपड़ा भी हो तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे क्योंकि ये हम इसी साइज़ का बनाएंगे और इससे 1 साइज़ छोटी बनाएंगे तो हम इसी के साइज़ का कटिंग करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम जब सिलाई लेंगे तो वो 1 साइज़ छोटी हो जाएगी। तो अभी हमने इसको 1 साइज़ बढ़ा दिया है, 1 बुट की सिलाई जितना मैंने बाहर से निशान लगा दिया है और अब हम साथ में इसको काट लेंगे। तो आप इजीली 1 साथ 4 मास्क बना सकते हैं फ्रेंड। और आपके पास अगर कपड़ा ऐसे लंबे में या जैसे भी जिस भी टाइप का हो आप कटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके आपको कुछ चाहिए होगा, उसके लिए आपको मेजर टेप चाहिए या किसी से नाप लेना है या उसकी गुलाई देनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके पास जो भी मास्क हो आप इस तरह से रख के मास्क की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है फ्रेंड। अब हम आपको इसको ओपन करके बताएंगे। तो ये साइज हम बड़ी बताएंगे, बड़ा बनाएंगे और दूसरी छोटी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे इसको रख लेंगे और इस तरह से बीच में, पहले जो बीच का हमारा शेप है जो हम गुलाई अम्ब्रेला करके काटते हैं, जो हमारी गुलाई आती है, तो हम पहले उसमें इस तरह से बीच में सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे और दूसरा हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो एक ही मार्क्स में हमें 2 मार्क्स मिल जाएगा फ्रेंड। तो हम दोनों साइड से लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम 2 मार्क्स बदल बदल के लगा रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड और इसके बाद हमें बीच से धागे को कट करेंगे और अब हम इसको ऐसे ओपन कर देंगे। तो ये फुल साइज़ है, लार्ज साइज़ है फ्रेंड। तो इस तरह से हम इसको यहाँ बीच से ये बीच की सिलाई मिलाते हुए और यहाँ से हम 1 बुट की सिलाई धारी सिलाई लगा देंगे। तो आप अगर इस तरह से मास्क बनाएंगे फ्रेंड तो आप बहुत जल्दी आप अपने घर में ज़्यादा मास्क बना सकते हैं और आप कटिंग भी 4 से 5 से या 6 से ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना कैंची की मदद से काट सकते हैं आप उतना काट सकते हैं। अगर कटिंग में आपका कपड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ हो फ्रेंड तो सिलाई को बराबर करते हुए आप उसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और फ्रेंड सीधा करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कितना इजीली ये मास्क बन के कम्प्लीट हुआ है। ना तो हमें गुलाई देना था, ना लंबाई लेना था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैं सीधा फटाफट जो हमारे पास मास्क है, जो मार्केट का हो, घर का बना हुआ जो भी है, हम उसी से मास्क बना लिए हैं। मेजर टेप का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम अपने चारों उंगलियों में इस तरह से लपेट के इलास्टिक को खींचेंगे नहीं। तो इस तरह से हम इलास्टिक को काट लिए और अब उसी के साथ दूसरी इलास्टिक भी काट लिए फ्रेंड। तो इलास्टिक हम 6 इंच की ही लगाते हैं, जो लार्ज साइज लगाते हैं, और जो स्मॉल साइज लगाते हैं उसमें हम 5 इंच की लगाते हैं। अब हम ये देखिए इसमें हमें थोड़ी सी गुलाई दे दिए हैं तो हमने एग्जैक्ट उसके बराबर कर दिया है फ्रेंड और ये अब हमारी यल साइज बन जाएगी। तो इस तरह से हम इसको रख के इसी के ऊपर जैसे हमने उसकी सिलाई की थी एग्जैक्ट हम इसी इसकी सिलाई भी उसी तरह से करेंगे। फिर हम आपको इलास्टिक कैसे लगाते हैं वो भी बताएंगे फ्रेंड। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर नहीं पसंद आए तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो अब इस तरह से हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उसी तरह जैसे हमने उसका सेंटर मिलाया था उसी तरह इसका भी सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ भी 1 बुट की सिलाई हम दे देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो हम जिसको बिल्कुल मेजर टेप से नहीं समझ में आता है, बिल्कुल सिलाई नहीं समझ में आती है, वो अगर उसके घर में मास्क है तो आप उसी मास्क को इस तरह से फोल्ड करके रख के और कपड़ा भी आपके पास जैसा भी लहंगे का हो, सूट का हो, जो
जो भी हो, आप इस तरह से फोल्ड करके रख के आप उस पर कटिंग करके मास्क बना सकते हैं अपने घर में। अभी इसकी बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, आपको पता ही है। तो इस तरह से हम इसको भी सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम इसके बाद आपको इलास्टिक डालना बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिर्फ 7 मिनट में 2 मास्क कंप्लीट कर दिया, उसकी कटिंग भी की और स्टिचिंग भी की। तो इस तरह से अगर आप मास्क बनाएंगे तो आप फटाफट, हमने 10 मिनट में फ्रेंड 4 मास्क बनाया था, लेकिन वीडियो सेम पैटर्न था तो इसके लिए हमने वीडियो चारों का नहीं दिखाया, आपको 2 का ही दिखाया था। इस तरह से हम इसकी इलास्टिक भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, और उसी के बराबर एक दोनों की इलास्टिक इस तरह से हम काट लेंगे। और अब हम आपको इलास्टिक डालना बताएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले अपनी उंगली की मदद से इतना हम 1 इंच जितना कपड़े को अंदर कर देंगे, और उसके बाद वहाँ इलास्टिक किनारे में डाल देंगे, और यहाँ हम सिलाई चलाते हुए रिवर्स कर देंगे। और इसके बाद उधर उस साइड भी हम इसी तरह से करेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए, हमने उस साइड भी इसी तरह किया, और इस तरह से हमारी दोनों सिलाई इसको खींच के हम ऊपर धारी सिलाई लगा देंगे फ्रेंड। अब सामने की साइड भी हम इसी तरह उंगली की मदद से इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके हम इसको इस तरह से अंदर दबा देंगे। यहाँ भी हम इलास्टिक इसी तरह से डालेंगे, पहले एकदम किनारे तरफ डालेंगे, और उसके बाद वहाँ रिवर्स कर देंगे। इसके बाद ऐसे मशीन के बुट को घुमाते हुए फिर उसके सामने भी हम इसी तरह से इलास्टिक को डालेंगे फ्रेंड। और इलास्टिक को डालने के बाद हम उसके बाद वहाँ भी रिवर्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी इलास्टिक ये सामने वाली भी इस तरह से पड़ गई है फ्रेंड। और अब हम यहाँ भी सिलाई लगाते हुए वहाँ भी हम इसको रिवर्स कर देंगे, और इसी तरह से मशीन को घुमाते हुए फ्रेंड हम वहाँ से निकल जाएंगे। और बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुंदर सा मास्क बन के कम्प्लीट हुआ है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। और वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं समझ आता, हम इससे भी इजी तरीका मास्क बनाने के लिए आपके सामने रखेंगे फ्रेंड, बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारा मास्क बन के कम्प्लीट हुआ। ये हमारा यल साइज है फ्रेंड, और इसमें भी हमने दोनों कपड़े को यूज किया है, तो आप दोनों तरफ से इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हम दोनों तरफ से, और ये लार्ज साइज का है फ्रेंड। तो ये देखिए, हमने 2 मास्क इस तरह से बना दिया है। तो इस तरह से देखिए, दोनों में हमने कपड़े दोनों यूज किए हैं, तो आप इस तरह से 1 मास्क में 2 तरफ से लगा के पहन सकते हैं। तो आप इजीली अपने घर में मास्क बना लीजिए, अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। और मास्क लगाइए, सेफ रहिए, और दूसरों का ध्यान दीजिए, और दूसरों से बच के रहिए।